हेलो दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ हिस्ट्री जो चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे। और छत्तीसगढ़ के जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन हुए, तो आज छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों, ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि कुछ लोग हैं जो कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर आपसे कॉन्टेक्ट कैसे किया जाए, या आपसे जो भी क्वेश्चंस है वो कैसे पूछेंगे। दोस्तों, अगर कोई सी भी प्रॉब्लम हो, क्लास से रिलेटेड डाउट हो, या कोई सी भी पर्सनल क्वेश्चन हो, तो आप मेरे जो फेसबुक पेज है आपका, अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस करके मैंने फेसबुक पेज बनाया हुआ है, तो उस पेज में आप पर्सनली मुझे मैसेज कीजिए। मैं डेली अपडेट करता हूँ, फेसबुक मतलब डेली चेक करता हूँ, तो आप उसमें मैसेज छोड़ दीजिए। जैसे मुझे मैसेज मिलेगा मैं उनका रिप्लाई आपको करूँगा। मैं रोज़ चेक करता हूँ, जितने लोग मुझे मैसेज करते हैं उनको मैं रिप्लाई करता ही हूँ, तो उस माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो वो ये जो चीज़ें हो गई, आप ऐसे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो छत्तीसगढ़ में जो स्वतंत्रता आंदोलन है, तो सबको पता ही होगा कि जो इंडिया का, जो भारत का पहला जो स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है, वो 1857 की क्रांति है। उस समय जो है आपका आंदोलन जो है स्टार्ट हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो घटनाएं हैं, वैसे तो देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में उतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, लेकिन आपका बेस बैकग्राउंड मजबूत करने के लिए मैं ऐसे चीज़ें या ऐसी घटनाओं के बारे में हल्का हल्का से बताऊंगा, जिसका छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा उसका उल्लेख मिलेगा या इसको जानना जरूरी होगा। और वैसे तो अगर हम लोग इंडियन हिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे तो इसको मैं बहुत डीपली बताऊंगा। और इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री, मतलब कोई भी हिस्ट्री अगर आप पढ़ोगे, तो उसमें ये है कि आपको डाटा कुछ तो है याद रखनी पड़ेगी। तो जैसे कि हम लोग सारी जो भी हिस्ट्री क्लासेस हैं, मैप से ही आपको मैं कंपेयर करके पढ़ाता हूँ, तो ये जो क्लास है उसमें भी मैं आपको मैप से ही पढ़ाऊंगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो डेटा याद करने में। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, मैं जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा मैप से आपको बताऊंगा। तो जो घटना है उस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। 1857, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे राष्ट्रवाद का जन्म होता है। और उसके बाद 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होता है। तो ये सारी घटनाएं को मैं अभी सिलसिले तौर से पढ़ाऊंगा, जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगा, क्योंकि ये अपना जो है मुख्य टॉपिक नहीं है। 1889 में बंगाल का अधिवेशन जब हुआ था, तो उस समय जो है ये बम्बई में हुआ था। इनके अध्यक्षता सर विलियम ब्रेडर बर्न ने किया था। लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि इसमें भाग लेने वाले प्रमुख व्यक्ति थे सीएम ठक्कर, रामदयाल तिवारी, माधव राव सप्रे, वामन राव लाखे। तो ये जो नेता हैं, ये जितने भी नेता हैं, वो बार बार नाम आएंगे, और जो भी घटनाएं होंगी वो आपको कंफ्यूज करेगी कि कौन से नेता कौन सी घटना में थे, और कौन सी जगह में कौन से नेता थे। तो इसलिए मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा, अभी मैप से ऐसे रिलेट करूंगा कि आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, या आपके माइंड में बस जाएगा कि इस जगह में ये व्यक्ति थे, तो यहाँ पे ये घटनाएं हुई थी, तो ये नेता हो सकते थे। तो हम लोग आकर थोड़ा सा देख लेते हैं कि उसके बाद 1891 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1891 में हुआ, तो ये हुआ था नागपुर में। अध्यक्षता थे आनंद चालू, और आनंद चालू इनके अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ में भाग लेने वाले व्यक्ति सीएम ठक्कर, रामदयाल तिवारी, माधव राव सप्रे, वामन राव लाखे, बद्रीनाथ राव। तो दो चार नाम आप याद रखिएगा, दो चार नाम भी अगर आप लिखोगे, ऑप्शन में रहता ही है, मेंस में भी अगर तैयारी कर रहे हो तो दो चार नाम कम से कम याद रहने चाहिए। तो ये सारी घटनाएं हैं, तो ये तो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, ये छत्तीसगढ़ में नहीं हुई घटनाएं। जब छत्तीसगढ़ में आएंगे तो यही नेता जो है आपका छत्तीसगढ़ में आते ही जाएगा। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा जितने भी छत्तीसगढ़ में नेता जो थे, और तो उसको हम लोग एक बार मैप से देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं हमेशा इसी मैप से पढ़ाता हूँ आपको, जिन लोग के लिए अगर ये क्लास नया होगा, तो प्लीज़ छत्तीसगढ़ का CG बन करके आपको मिलेगा आपको क्लास, उसमें मैंने ये लिख दिया कि सबसे पहले इसे देखे। तो ये मैप के बारे में विस्तृत अध्ययन मैंने वहाँ पे कराया है, तो
आप जाके देख सकते हैं, और जिन लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उसके लिए तो आसान ही होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और धमतरी। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और धमतरी। अब यहाँ पे आपको ये फोकस करना है कि ये जो है स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये जो है जितने भी जगह है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, और इन जगहों पे है विभिन्न विभिन्न तरह के आंदोलन हुए हैं, और इन इनके जो नेता जो हैं ये सारे जो हैं इनके नेता थे। दोस्तों आपको क्या करना है, मैं जगह के हिसाब से आपको नेताओं जहाँ वहाँ से बिलोंग करते थे वो बता दूंगा, और जितनी भी घटनाएं हुई है उसमें वो मान के चलो कि वही लोग होते थे। तो जैसे बिलासपुर में कुछ घटनाएं हुई तो बिलासपुर के प्रमुख नेता थे बैरिस्टर छेदीलाल ई राघवेंद्र। तो आपको समझ आ जाएगा कि जैसे कि बिलासपुर में कोई घटना हुई है तो इसका ये दोनों में से कोई एक तो हो ही सकता है, और अगर आप धीरे धीरे पढ़ते जाओगे तो ऑटोमेटिक रट आ जाएगा कि ये थे। तो उससे पहले आप बैकग्राउंड बनाओ। राजनांदगांव में जैसे कोई घटना होगा, मजदूर आंदोलन हुआ, तो आपको पता चल जाएगा कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह राजनांदगांव से थे, तो वे जो है उनके नेता हो सकते थे। वैसे ही अगर रायपुर में जो जो घटना हुई थी तो उस समय आपका ये हो गया पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ला, वामन राव लाखे के साथ साथ सीएम ठक्कर। तो ये चारों जो हैं रायपुर रायपुर के संदर्भ में ये याद रखना। उसी तरह धमतरी के लिए नारायण राव मेघावाले, नारायण दीक्षित, छोटेलाल श्रीवास्तव और नत्थू जी, और दुर्ग के लिए घनश्याम सिंह गुप्त, और ये जो है घनश्याम सिंह गुप्ता याद रखिए। तो ये चारों पांच जगहों के सभी नेता जो जहाँ से बिलोंग करते थे वो याद आप रखिए, और उसके बाद हम लोग जितने भी वो देखेंगे कि जितने भी घटनाएं हैं जहाँ पे हुई है ऑटोमेटिक ये नेता हैं वहाँ पे आते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं, उसके बाद जैसे कि मैं आपको मैप से पढ़ाता रहता हूँ मैप से भी आपको पढ़ाते ही रहूँगा। तो थोड़ा सा बेस क्लियर कर लेते हैं, और क्या क्या आपको यहाँ पे जानना चाहिए देख लेते हैं। कुछ कुछ सामाजिक संगठन की भी स्थापना हुई थी उस समय, जिसमें बिलासपुर जिले में बुद्धि प्रकाश सभा, रीडिंग क्लब, बंगाल नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट, और रायपुर जिले में आपका लाइब्रेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन और पीपुल्स टीचर एसोसिएशन, इस तरह जो चीज़ें हैं यहाँ पे लिखी हुई, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। अब बात करें मासिक पत्रिका की, तो जब मैं आपको छत्तीसगढ़ में जितने भी प्रकाशन हुए हैं, जितने भी राइटर ने जो जो लेख लिखे हैं उसको अलग से क्लास दूंगा, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो हिस्ट्री से थोड़ा सा लगता है कि इसको हिस्ट्री में पढ़ना चाहिए, इसका इफेक्ट पड़ता है, तो वो चीज़ें मैं इसमें डाल दिया हूँ। तो 1900 में माधवराव सप्रे द्वारा छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन हुआ था पेंड्रा रोड से, तो ये एक मासिक पत्रिका थी, और वामन राव लाखे और राम राव चिंचोलकर ने भी इनके प्रकाशन में सहयोग दिया था, और इनके जो उद्देश्य थे मुख्य उद्देश्य प्रकाशन करने का, वो बौद्धिक जागरूकता के साथ साथ राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए, लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए। आर्थिक अभाव और सरकारी दमन के कारण इस पत्रिका का प्रकाशन केवल 3 वर्ष तक हो सका था, और ये छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार प्राप्त होने का गौरव प्राप्त हुआ है इसे। माधव सप्रे को छत्तीसगढ़ पत्रिका का जनक भी कहा जाता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। उसके बाद 1905 में सबको पता होगा कि जो है बंग भंग तथा स्वदेशी आंदोलन हुआ था, तो उस समय जो है बंगाल का विभाजन हुआ था उसके विरोध में बंग भंग आंदोलन चल रहा था, जिस समय वायसराय जो थे कर्जन। दोस्तों अगर आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ोगे भारतीय इतिहास में तो सारी घटनाओं में आपको पूछ दिया जाएगा कि उसके वायसराय कौन है, तो जब इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो मैं आपको उसको काफ़ी डिटेल से पढ़ाऊंगा। छोटा मोटा ट्रिक होता है उसको आप याद रख सकते हो, जैसे कोई भी चीज़ का विभाजन होता है तो वो बहुत बुरी बात रहती है। विभाजन दो चीज़ इंडिया पाक का जैसे विभाजन हुआ उस समय भी बंगाल का उस तरह विभाजन दो भाग में विभाजन हुआ था। तो अब ये याद रखना कि कर्जन का हमेशा खुद पे ये कर्ज रहेगा कि उन्होंने विभाजन किया था, तो बंगाल विभाजन कर्ज कर्ज से कर्जन, आप इस तरह से कोई सा भी लॉजिक लगा के याद रख सकते हो। तो इस दौरान राष्ट्रीय जागरण प्रणेता जो थे छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने। तो 1905 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सुमित्र मंडल की स्थापना की, इसका उद्देश्य जो है समाज सुधारना और जनता को जागरूक करना, राष्ट्रीय भावना जागृत करना था,
1905 में प्रथम प्रांतीय राष्ट्रीय परिषद का आयोजन नागपुर में हुआ था। 1905 में प्रथम नागपुर, जबकि 1906 को द्वितीय जो हुआ था वो आपका जबलपुर में हुआ था, और जिसमें दादा साहब खापर्डे ने स्वदेशी विषय संबंधी प्रस्तावित पारित किया था। तो इसका भी छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ। इस समय 1906 में कांग्रेस की शाखा रायपुर में स्थापित हुई। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी इसमें सीएम ठक्कर का महत्वपूर्ण योगदान था। अब देखते हैं कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, तो इसमें जो है राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें जो हुआ था, राज बिहारी घोष थे जिसके अध्यक्ष, उसमें छत्तीसगढ़ से भाग लेने वाले जो प्रमुख नेता जो थे, और सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले, शिवराज मुंजे, तो ये जो है नेता, इनके नाम पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज़ भी आप यहाँ से याद रख सकते हो। कुछ कुछ जगह में और हुए, जैसे कि नारायण राव मेघावाल ने स्वदेशी वस्तुओं की दुकानें खोली, दुकानों का संचालन राजिम में, पूरन सिंह धमतरी में, यादव राव, वैसे इतना डीपली तो नहीं पूछते, फिर भी आप नाम याद रख सकते हो। महासमुंद में, नांदगांव में, महासमुंद तथा नांदगांव में इसका आंदोलन जो है स्पष्ट जो है प्रभाव इसका पड़ रहा था। साथ साथ और अन्य नाम जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो वीडियो में से स्टॉप करके। अब हम देखते हैं रायपुर में प्रांतीय कांग्रेस सम्मेलन जो 1907 में जो हुआ था, इसमें अगर कुछ बताने लायक अगर हुई तो देखते हैं। ये जो है रायपुर में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे केलकर तथा स्वागत में, देखते हैं यहाँ पे मेरे हिसाब से तो इसको हम लोग थोड़े देर में पढ़ेंगे। अब हम लोग देखते हैं माधवराव सप्रे जो है गिरफ्तार क्यों हुए थे। तो माधवराव सप्रे जो है बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवादी विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने हिंद केसरी की रचना की थी। दोस्तों जो है बाल गंगाधर तिलक ने केसरी नाम की एक पत्रिका जो थी उनका जो है केसरी नाम की एक जो है लिखी थी उन्होंने, और उसी से प्रेरित होकर माधवराव सप्रे ने उसका हिंदी अनुवाद करके हिंद केसरी लिखे थे वो। तो यहाँ पे लिखा हुआ देखो, समाचार को हिंदी में प्रकाशित किया जाता था। 1908 में तिलक द्वारा केसरी में प्रकाशित लेखों के कारण उन पर मुकदमा चला दिया गया था। एक लेख में उपाय टिकाऊ नहीं है, हिंद केसरी में भी सप्रे जी को प्रकाशित किया गया है। ये सारी चीज़ें ये बता दो कि माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के जो केसरी उसका हिंदी में अनुवाद करके हिंद केसरी लिखी थी, और वो जो है राष्ट्रीयता के विचार के लिए जो है लोगों को जगाने के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो अंग्रेजों को पसंद नहीं आया तो उन्होंने इनको गिरफ्तार किया था। इसका जो है कंक्लूजन वही है। और हम लोग और आगे पढ़ते हैं, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना 1909 में ठाकुर प्यारे लाल सिंह ने राजनांदगांव में किया था। जैसे कि मैंने मैप में आपको दिखाया था कि जो जहाँ भी जो घटनाएं हो होती है वो चीज़ के वहाँ जो नेता होंगे वही होंगे। तो जैसे कि मैंने बताया था राजनांदगांव में ठाकुर प्यारे लाल, तो सरस्वती पुस्तकालय कहाँ है, राजनांदगांव में, 1900 स्थापना, और किए कौन, ठाकुर प्यारे लाल। तो इसी तरह से जो सारी घटना है कि एक एक कड़ी जुड़ती जाएगी, और मैप से आप उन नेताओं के नाम याद रखिएगा। होम रूल लीग में छत्तीसगढ़ की भूमिका, मध्य प्रांत में तिलकवादी होम का अधिक प्रभाव पड़ा। रायपुर में इसकी स्थापना पंडित रविशंकर शुक्ल ने की थी, उनके जो सहयोगी थे माधवराव सप्रे, लक्ष्मण राव, ये सब उनके सहयोगी थे। बिलासपुर में भी होम रूल लीग की शाखा हुई थी। इसमें इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं पूछा जाएगा, ये बस पूछा जाएगा कि होम छत्तीसगढ़ में जो है तिलक इस समय आए थे। तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ नेतृत्व 1918 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिल्ली में हुआ, जिसकी अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की थी, और इस समय अधिवेशन में ई राघवेंद्र, सीएम ठक्कर ने हिस्सा लिया था। ये चीज़ें हो गई। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, 1918 में, यहाँ पे देखो छत्तीसगढ़ में आए थे 1918 में तिलक, वही होम लीग रूल जब चल रहा था, और 1918 में गोपाल कृष्ण गोखले, तो जो दो लोग हैं ये आए थे आपका 1918 में। अभी महात्मा गांधी का जो है अभी पढ़े नहीं है, उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं इसको साथ में लिखा हूँ तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं।
20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी सर्वप्रथम आगमन हुआ था आपका रायपुर में, और द्वितीय जो आगमन हुआ था वो 1933 में है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो 20 जनवरी को रायपुर गए, 21 जनवरी को धमतरी में कंडे नहर सत्याग्रह भी हम लोग जब पढ़ेंगे तो उस समय ये सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। अभी ये छत्तीसगढ़ में जो जो नेता आए थे उसका मैंने एक साथ लिख दिया है, एक साथ लिख दिया है। तो जब महात्मा गांधी आए थे तो उनके साथ मौलाना शौकत अली भी साथ में आए थे, ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। 1921 में राजेंद्र प्रसाद, सी गोपालचारी और सुभद्रा कुमारी चौहान जो है 1921 में छत्तीसगढ़ आए थे। तो अब हम लोग देखते हैं कंडेर नहर सत्याग्रह के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के किसान आंदोलन जो है ये था, हम लोग एक बार थ्योरी देख लेते हैं कंडेर नहर सत्याग्रह के बारे में, पढ़ लेते हैं एक बार। यहाँ पे कंडेर नहर सत्याग्रह, जुलाई 1920 में छत्तीसगढ़ में सत्याग्रह की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय इतिहास में इसे कंडेर नहर सत्याग्रह कहा जाता है। ये जगह के नाम पे सत्याग्रह जो है, कंडेर नामक एक जगह था वहाँ पे किया गया था। इसका पूरा डीपली हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। धमतरी के समय महानदी पर रुद्री व मौडमसिल्ली में बांध बनाया गया था। ब्रिटिश काल में रुद्री के एक नहर निकाली गई थी जिसके आसपास के गाँव में सिंचाई की जाती थी। तो उस सिंचाई के लिए अंग्रेज जो है कर वसूलने लगे, और ये जो है जो होता था गांव जो कर देते थे वो उसे 10 वर्ष का अनुबंध करना पड़ता था। मतलब 10 साल तक आपको इतना कर देना पड़ेगा, या एक साथ भी मंगली आ जाता था। इस तरह की घटनाएं हो रही थी। कंडेर जो धमतरी के अंतर्गत एक गांव था, इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता था, तो उस समय ये घटनाएं जो हो रही थी वहाँ पे आंदोलन होना स्टार्ट हुआ। और इसके जो रीजन है उसको हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ लेते हैं। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव इसी गांव से संबंधित थे और राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे। अंग्रेज अधिकारियों ने देशभक्ति के मार्ग से विचलित करने के लिए एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के तहत नहर का पानी खेतों में प्रवाहित कर दिया जाएगा। इस आधार पर शासन किसानों पर पानी चोरी का आरोप लगाकर मनमाना हर्जाना वसूलेंगे और उन्हें अनुबंध करने के लिए विवश करेंगे। इस प्रकार बांध का पानी खेत से खोल दिया, परंतु उसी रात्रि को कंडेर ग्राम के आसपास मूसलाधार बारिश हुई जिसके कारण पूरे खेत में पानी भर गया था। इसके बावजूद भी शासन ने इन पर चोरी का आरोप लगाया। अब हर्जाने का जो है वसूलने के लिए उन पर अत्याचार किए गए, साथ साथ उनके जो है मवेशी को पकड़ लिया गया और उनका जो है नीलाम करने लगा। लेकिन उन लोग इतने आंदोलन इतना आक्रोश था कि मवेशियों को है कोई ले नहीं रहा था, तो मवेशियों को बेचकर हर्जाना प्राप्त करने की योजना ये जो है अंग्रेज बनाए। लेकिन यहाँ पे जो लिखा होगा कि सत्याग्रहों के प्रयास से एक भी मवेशी नहीं बिका। अंग्रेजों का दमन बढ़ने पर पंडित सुंदरलाल शर्मा ने गांधी जी को लाने हेतु कलकत्ता गए। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि गांधी जी को छत्तीसगढ़ कौन बुलाए, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। और उस समय गांधी जी कहाँ पे थे, तो कलकत्ता अधिवेशन में उस समय गांधी जी थे। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं आपके। तो गांधी जी के आगमन से आंदोलन में राष्ट्रव्यापी होने लगी और पशु को दिन ब दिन गिरती सेहत से सरकारी खर्च भी बढ़ रहे थे। ये सारी घटनाएं हुई। अब यहाँ पे देखते हैं गांधी जी का प्रथम जो आगमन है छत्तीसगढ़, जैसे मैंने आपको बताया था 20 दिसंबर 1920 को, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के आह्वान पर गांधी जी अपने प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर रायपुर आए थे। कहाँ पे आए थे दोस्तों, तो रायपुर। उनके साथ मौलाना शौकत अली, मैंने बताया जैसे कि मौलाना शौकत अली उनके साथ आए थे। और रायपुर ने गांधी चौक में जो है जनता को संबोधित किया था, असहयोग के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात गांधी धमतरी व कुरूद गए। धमतरी में उनका भाषण जामू हुसैन अपने आंगन में आयोजन का प्रबंधन किया। ये सारी घटनाएं आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसको छत्तीसगढ़ का ये जो था प्रथम जो आंदोलन था, और जो गांधी जी का अगर कोई आंदोलन नहीं था जो असफल हुआ हो, तो ये आंदोलन भी आपका सफल हुआ। और यहाँ पे ये करीब 1920 में हुआ था। तो 1920 में उस समय जो है भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो
छत्तीसगढ़ में ऐसा भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जब भारत में असहयोग आंदोलन हो रहा था तो उस समय छत्तीसगढ़ में कौन सा आंदोलन हुआ, तो आपका आंसर होगा कि कंडेर नहर सत्याग्रह आंदोलन जो है उस समय हुआ। और इसमें अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो देख लेते हैं कि ठहरने की जो व्यवस्था है नारायण राव मेघावाले के निवास पर इस स्थान पर ये ठहरे थे। धमतरी से लौटने के बाद रायपुर में महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया था। सभा आनंद समाज लाइब्रेरी में आयोजित की गई थी। इसमें महिलाओं से तिलक स्वराज कोष में आर्थिक सहयोग की अपील की थी। इतनी ये घटनाएं आपका जो अगर याद रखोगे तो मेंस में अगर आप डेटा है आप इसको लिखने में आसान रहता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है असहयोग आंदोलन जो 1920 में जब हुआ था तो उस समय कंडेर नहर सत्याग्रह जो थे हुआ था, और ये है धमतरी की कंडेर जगह पे हुआ था। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था। साथ में ये पढ़ते हैं कि कंडेर नहर सत्याग्रह को छत्तीसगढ़ का बारदोली या चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। तो इसलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का प्रथम जो है सफल आंदोलन था, सफल सत्याग्रह था। और भारत के संदर्भ में देखोगे तो गांधी जी के द्वारा चंपारण जो सत्याग्रह था 1917 में एक चंपारण सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी के द्वारा ये किया गया था, तो वो सफल हुई थी। तो इसको जो है आपका छत्तीसगढ़ भारत का प्रथम सत्याग्रह माना जाता है। और इसी तरह आपको देखा जाए छत्तीसगढ़ प्रथम सफल सत्याग्रह तो ये कंडेर है, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का बारदोली चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। कंडेर नहर सत्याग्रह के समय गांधी जी जो थे 1920 में कलकत्ता अधिवेशन से आ रहे थे, तो मैंने आपको ये चीज़ भी बताई थी। अब थोड़ा सा माखनलाल चतुर्वेदी के देखते हैं कि इनसे जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं क्या थे। माखनलाल चतुर्वेदी ने 1921 में बिलासपुर में 12 मार्च को शनिचरी पड़ाव में ओजस्वी भाषण दिया था, और ये पहली चीज हो गई। उसके बाद जबलपुर में, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से बाहर है आपका इसलिए मैं यहाँ पे बना दिया हूँ, जबलपुर में उनको गिरफ्तार कर लिया। पहला ये हुआ कि भाषण दिया, दूसरा जबलपुर में गिरफ्तार कर लिया, तीसरी ये होगी इसको बिलासपुर जेल में बंद कर दिए। तो बिलासपुर जेल में जब वो बंद थे तो उन्होंने कुछ रचनाएं की, पुष्प की अभिलाषा, पर्वत की अभिलाषा, कर्मवीर पत्रिका, इनका संपादन किया। उसके बाद रायपुर में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना इन्होंने की। तो ये जो है आपका माखनलाल चतुर्वेदी के जो चीज़ घटी हैं इसको आप याद रख सकते हो, इसमें क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। साथ में देखिए माधव राव सप्रे के नेतृत्व में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी। तो कौन कौन से अभी राष्ट्रीय विद्यालय थे वो सब के बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। 1921 में विधानसभा चुनाव का बहिष्कार, ये सारी चीज़ें आपको एक शॉर्ट ट्रिक की तरह आप याद रख सकते हो। मैं कोई भी चीज़ जैसे क्वेश्चंस पीएससी में या वाइपर में पूछे जाते हैं तो इसको शॉर्ट नोट की तरह यहाँ पे ऐसे पॉइंट वाइज लिख लेता हूँ। अब राष्ट्रीय विद्यालय देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना हुई थी, तो कहाँ कहाँ पे हुई थी। रायपुर में, देखना दोस्तों यहाँ पे मैंने बहुत तो यहाँ पे काटे हैं तो आपको मैं बोल देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। बिलासपुर में 1924 ये हो गया, बिलासपुर में बद्रीनाथ साव ये जो इसके द्वारा यहाँ पे रायपुर, राजस्थान का और धमतरी राष्ट्रीय विद्यालय जो है तीन जगह बने, रायपुर, राजनांदगांव और धमतरी। तो रायपुर में माधव राव सप्रे के प्रयास से, राजनांदगांव में ठाकुर प्यारे लाल और धमतरी में बाबू छोटे लाल। जैसे कि मैंने आपको मैप से जितने भी जहाँ से बिलोंग करते नेता उनके बारे में बताया था, वो तो यहाँ पे काम कर रहा है, तो ये चीज़ आप याद रखना। और रायपुर और धमतरी ये दो जगह थी जहाँ पे 1921 में आपका राष्ट्रीय पंचायत का गठन हुआ था। तो रायपुर में जो हुआ था वो जब जसकरण डागा ने की थी, और धमतरी में बाजीराव कृदंत ने 1921 में राष्ट्रीय पंचायत का गठन। और 1921 में राष्ट्रीय नेता राजेंद्र प्रसाद, सी गोपालचारी, सुभद्रा कुमार चौहान भी छत्तीसगढ़ आए थे। इसको मैंने आपको पहले भी बता दिया था। 1921 में खादी प्रदर्शन अंजुमन बेगम द्वारा खादी प्रदर्शन हुआ था।
अब देखते हैं झंडा सत्याग्रह 1923 में, तो छत्तीसगढ़ से पंडित रविशंकर शुक्ल ने भी इनमें भाग लिया था। तो यहाँ पे जैसे कि एक इंडिया का मैप बनाया मैंने, ये अगर आपका भारत हुआ, यहाँ पे आपका नागपुर है, यहाँ पे बिलासपुर है। तो नागपुर में 1923 में प्रारंभ हुआ और उसके नेता थे श्यामलाल और विश्वभर पटेल। ये जो चीज़ थी बिलासपुर में जब हुआ 31 मार्च 1923 को, तो क्रांति कुमार भारती ने बिलासपुर के टाउन हॉल में यूनियन जैन के स्थान पर तिरंगा फहराया था। यहाँ पे जो था झंडा सत्याग्रह, इसी को कहते हैं कि जो क्रांति कुमार भारती ने टाउन हॉल में तिरंगा फहरा दिया था बिलासपुर के टाउन हॉल में। इसका कारण था कि कांग्रेस द्वारा चरखा मुक्त झंडा प्रत्येक कार्यक्रम में फहराना अनिवार्य किए थे, और इसके नेतृत्वकर्ता पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल पीछे जो थे इन इन इस समय नेतृत्व कर रहे थे। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग जंगल सत्याग्रह जो है छत्तीसगढ़ में हो रहा था, तो आपका असहयोग आंदोलन के जो हो रहा था भारत में उस समय, आपका मैंने बताया असहयोग आंदोलन के समय आपका कंडेर नहर सत्याग्रह हो रहा था। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि जब 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तब छत्तीसगढ़ में कौन सा आंदोलन हुआ था, तो था जंगल सत्याग्रह। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जंगल सत्याग्रह के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे लिख लिया है असहयोग आंदोलन, कंडेर नहर सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, और 42 में जब भारत छोड़ो आंदोलन होगा तो रायपुर षड्यंत्र, रायपुर डायनामिक, ये सारी चीज़ें तो हम लोग आगे पढ़ ही लेंगे। अभी हम लोग जंगल सत्याग्रह देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ मैप से ही आपको बताऊंगा, मैप से आप याद रखिएगा। सबसे पहला जो होगा आपका प्रथम जंगल सत्याग्रह, वो सिहावा नगरी, धमतरी के सिहावा नगरी में 1922 को होगा, और इसके जो नेता होंगे पंडित सुंदरलाल शर्मा, नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल। तो उस समय आंदोलन क्या हो रहा था, जैसे नाम से स्पष्ट है, वनों के आरक्षण के उद्देश्य से, मतलब जो अंग्रेज जो है बहुत ज़्यादा वन की कटाई कर रहे थे अपने लाभ कमाने के लिए, तो उसके आरक्षण के लिए जो है जंगल सत्याग्रह हुई। तो सर्वप्रथम जो हुई धमतरी के सिहावा नगरी से जंगल सत्याग्रह जो हुई थी, प्रथम जंगल सत्याग्रह थी। इसमें जो नेता थे पंडित सुंदरलाल, नारायण राव मेघावाले और बापू छोटेलाल। उसी तरह विभिन्न विभिन्न जगहों पे अलग अलग सत्याग्रह हुए हैं। धमतरी में भी गट्टा सिल्ली और रुद्री नावा गाँव, तो इस समय 1930 ये सारी चीज़ें, इनके अलावा जो 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 चीज़ें हैं वो 1930 में, देखो आपका सब 1930 में घटित हो रहे हैं। गट्टा सिल्ली में आपके जो नेता थे वो जो थे नारायण राव मेघावाले, बाबू छोटेलाल, जैसे कि धमतरी से इन लोग बिलोंग करते थे, उस इसलिए जो है वहाँ की जो यही जो नेतृत्व कर रहे थे। और इनका कारण ये था कि पशुओं को कांजे हाउस में डाला गया था, तो इस वजह से ये जो है इसका आंदोलन आपका हो रहा था। रुद्री नावा गाँव में नारायण राव मेघावाले और बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव ही थे, ये भी हो रहा था वनों के आरक्षण से उद्देश्य से। और अगर आपको पूछा जाए कि प्रथम टोले के नेता कौन थे, इसके प्रथम टोली के नेता कौन थे, तो बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। अब ये पूछेगा आपका तमोरा, दोस्तों कई बार ऐसे पूछ दिया जाता है कि ये जो सत्याग्रह हुआ है वो कहाँ हुआ है। जैसे कि आपको पूछा जाएगा गट्टा सिल्ली कहाँ हुआ है, रुद्रीनाव गांव कहाँ हुआ है, सिहावा कहाँ हुआ है, तो आपको याद रखना कि धमतरी में ये तीनों जंगल सत्याग्रह जो है, सत्याग्रह है धमतरी में हुआ। उसी तरह महासमुंद में का जो है तमोरा में, जिस तमोरा जो है कहाँ हुआ है, तो महासमुंद में 1930 में, और इसके शंकर राव जो है, यति यतन लाल, यतन लाल, ये जो दोनों हैं ये नेता थे। और इसमें जो है बालिका दयावती ने रेंजर को थप्पड़ मारा था, इससे ये तथ्य आप याद रख सकते हो। इस तरह अगर आप राजनांदगांव में चलोगे तो छुई खदान और बदर टोला, तो इसमें जो जंगल सत्याग्रह हुआ था ये छुई खदान में
इसकी जो नेता थी वो समारू बाई 1938 में, और ये बदरतोला में 1939 में हुआ था, और रामादिन गोडिन इसमें शहीद हुए थे। तो दोस्तों मैं जो जितना चीज़ बता रहा हूँ उतना याद रखिए, बुक्स में तो सब मिल जाते हैं लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आपको याद कैसे रखना है। आप अगर आप बुक्स पढ़ोगे, अच्छे बुक्स फॉलो करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें तो मिल ही जाएंगी। बस मैं मैप से इस रिलेट करके आपको थोड़ा सा याद करने का जो है तरीका बता रहा हूँ। तो ये सारी घटनाएं जो है ना हो रही थी, जिसके मुख्य नेता थे, और विभिन्न जगहों पे इतने इतने ईयर में ये हुआ था, यही है आपको याद रखना है। तो जो चीज़ें हैं जो छुट्टी थी मैंने यहाँ आपको लिखी लिख दिया है, जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं। छुई खदान जंगल सत्याग्रह समारोह भाई अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, छोटा छोटा था इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है, चाहे तो आप इसको लिख सकते हो। दोस्तों हम लोग आगे इसको और कंटिन्यू करेंगे, ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं इसको यहीं पे समाप्त करूँगा, ताकि आप लोग को डाउनलोड करने भी आसानी हो, ज़्यादा बड़ा ना हो। तो दोस्तों बस आप लोग वीडियोस देखते रहिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए चैनल, अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपसे बस यही अनुरोध है कि आप सब कोई व्हाट्सएप चलाते हो तो उसमें आप बस आप मेरा लिंक फॉलो जो लिंक है कॉपी कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने कि मैं जो है फ्री में क्लासेस ला रहा हूँ जिन लोग कोचिंग नहीं कर पाते उनके लिए। तो यही जो है आपसे मैं ये चाहता हूँ। इसी के साथ यहाँ पे क्लास समाप्त करें दोस्तों, नमस्कार।